गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अब आप इस विषय के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है, तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विषय के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम सीख रहे थे हिंदी कक्षा 9 का पाठ नंबर 5 स्वराज की नींव, उसका स्वाध्याय सीख रहे थे। दो प्रश्न किए थे, आज तीसरा प्रश्न है। तीसरा है आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट कीजिए यानी ये कथन यहाँ दिया गया है उसका आशय यानी इस कथन में क्या कहा गया है। पहला है स्वराज्य प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज्य की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना। तो जवाब होगा इमारत बनाने के पहले उसके लिए उचित भूमि का चयन किया जाता है, फिर मजबूत नींव रखी जाती है। नींव जितनी मजबूत होगी इमारत भी उतनी ही मजबूत होगी। इसी तरह स्वराज्य पाने के लिए देश और समाज में उसके लिए वातावरण तैयार करना जरूरी है। यह वातावरण जनमानस को आंदोलित करते हैं और लोगों में स्वराज्य पाने की भावना तीव्र बनती है। दूसरा है शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल को की जनकार और भी जनक उठेगी। तो इसका जवाब होगा राव साहब, बादा के नवाब आदि रानी के सहयोगी संकुचित दृष्टि के व्यक्ति थे। वे अपने अपने स्वार्थ के लिए रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े थे। उनमें न देश प्रेम था और न एक दूसरे के प्रति विश्वास था। वे एक दूसरे को शंका की नजर से देखते थे। ऐसे में स्वराज्य स्थापना की बात उनमें परस्पर अविश्वास बढ़ा सकती थी। अविश्वास उनमें निराशा पैदा करता और फिर उससे उत्पन्न दुख दूर करने के लिए वे राग रंग में डूब जाते। तीसरा प्रश्न है दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और चौड़ा कर देती है। तो जवाब होगा दोस्ती में एक दूसरे पर विश्वास होता था, ऐसे में कोई धोखा दे तो दिल को गहरी चोट लगती है। गहरा विश्वास गहरे अविश्वास में बदल जाता है और फिर पहले जैसी दोस्ती नहीं रह सकती। चौथा प्रश्न है सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो पहला है वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। दूसरा है महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है। तीसरा कौन कहता है कि विलासिता में डूब गए हैं। चौथा है मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ। पांचवा है हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। आगे का प्रश्न है शब्द समूह के लिए एक शब्द। तो यहाँ है शब्द समूह, जैसे एक शब्द दो तीन चार पाँच छः, ये 7 शब्द हुए और 7 शब्दों को एक 7 शब्दों जैसा ही कोई एक ऐसा एक शब्द में अर्थ आ जाए ऐसा हमें एक शब्द बनाना होता है, जिससे हम कहते हैं शब्द समूह के लिए एक शब्द। ये शब्द है वो सब शब्द समूह है। एक से ज्यादा शब्द होते हैं तो हम उसे शब्द समूह कहते हैं। तो ये शब्द समूह के लिए हमें कोई एक अच्छा जो उसको बराबर न्याय दे सके उस अर्थ को वैसा शब्द बनाना होता है। तो यह है धरती और आकाश के मिलने का स्थान, तो उसे हम कहते हैं क्षितिज। फिर है निराशा या क्रोध में मुंह से निकलने वाली श्वास, तो उसे कहते हैं निःश्वास। फिर है दही से
बनने वाला एक व्यंजन। तो दही से बनेगा क्या बनेगा? श्रीखंड। फिर है ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोज, तो ब्रह्म भोज। फिर है स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाला, तो स्वामी के प्रति श्रद्धा रखने वाले को क्या कहेंगे? स्वामी भक्त कहेंगे। फिर है 6 नंबर का उदाहरण के अनुसार शब्द बनाइए। तो यहाँ उदाहरण दिया गया है राज्य, तो हमें शब्द में क्या स्व लगाना है और दूसरा शब्द बनाना है। तो यह है देश, तो देश में स्व वत्ता देश, तो स्वदेश होगा। फिर भाव में स्व लगाए तो स्वभाव होगा, तंत्र में स्व लगाए तो स्वतंत्र होगा, और जन में स्व लगाए तो स्वजन होगा। आगे है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाए, जैसे सुंदर सुंदरता सौंदर्य, तो शूर शूरता शौर्य, धीर धीरता धैर्य, उदार उदारता औदार्य, स्थिर स्थिरता स्थैर्य। तो बच्चों यहाँ पर स्वाध्याय खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आगे का पाठ सीखेंगे।